शाहजैन अली फ्रॉम द कैनल ऑफ ट्रू ब्रीडर्स। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ अपने बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे भाई रजा भाई के घर। रजा भाई मिसवानिया, जिन्होंने हमारे फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट लगाई कि शाह साहब प्लीज, मेरा ख्याल उनकी पोस्ट लगाने की रीजन ये थी कि मैं शायद आ जाता और आके उनसे मिल लेता। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ हिज नेम इज शैडो, शैडो के साथ। मैं ये वीडियो स्पेशली अपने तमाम तर उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में आया हूँ। शैडो मेरे साथ बैठा है, साढ़े सात महीने का ये बच्चा है। साढ़े सात माह के बच्चे पर आप ये वीडियो तमाम तर उन खास तौर पर मेरे भाई ब्रीडर्स या वो डीलर हजरात जो कि मेरी बहन के इस कमेंट की वजह से नीचे आके अजीब किस्म की पोस्ट कर रहे हैं कि शाह जी आपको नजर नहीं आता, आप नवीना है, कोई मेरे और मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी मिसिस की कोई हाथों की वीडियो लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कैसे लोगों को बहाना चाहिए था कि हमें कोई बहाना मिल गया कुछ बोलने के लिए। मैं प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज इधर मौजूद हूँ। इधर मेरे आने का मकसद, ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि प्लीज खुदारा आप लोग जो बोलते हैं सोच समझ के बोला करें। लैम्बो और गाया जो इसकी मदर है, इन दोनों की ब्लड लाइन में पीछे एक के रेमो है तो दूसरे के विकास है। यू कैन चेक द पेडिग्री लिंक्स। आप जब इन पेडिग्री लिंक्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के पीछे में स्टॉक हेयर फादर और जो ग्रैंड फादर्स मौजूद है। अब इस बच्चे के पेरेंट्स में, ग्रैंड फादर्स में स्टॉक हेयर मौजूद है। अब ये साढ़े सात माह का बच्चा है, साढ़े सात माह के बच्चे के ऊपर शेडिंग का आलम क्या होगा वो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे बाल उतर रहे हैं। मैं ये फील करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ठीक है, इट्स ओके कि इस बच्चे के ऊपर कोट कम है तो ये मेरा कसूर तो नहीं है, इसमें कोई मेरा ऐसा कोई ऐसा कसूर तो नहीं है इसमें मेरा कि, या लैम्बो का कसूर तो नहीं है कि माँ के पेट में से ये सात बहन भाई निकले हैं तो दो इसमें से वो स्टॉक हेयर क्यों निकल आए। स्टॉक हेयर अगर निकल आए हैं तो इट्स द, ये मेरे खुदा की नेचर है, खुदा की कुदरत है। मैंने जब ये बच्चा मेरी बहन को दिया, मिस रानिया को दिया, मैं इस पपी को लेके आया, मिस रानिया मेरे घर पे विजिट किया रजा भाई के साथ। रजा भाई के साथ मेरी बहन मेरे घर आई है, उन्होंने लैम्बो, गाया, मेरे तमाम तर डॉग्स देखे। फिर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा शाह साहब मैं अवेलेबल इस वक्त घर पे हूँ, आप पपी को घर पे डिलीवर कर सकते हैं। मैं इधर आया, आप ही ने मुझे 1,25,000 रुपया साथ दिया। मेरी बहन का ऑब्जेक्शन था कि इसकी माइक्रोचिप की डिटेल मेरे पास नहीं है, तो माइक्रोचिप की डिटेल क्लब में मौजूद है और इसकी पेडिग्री के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टॉक हेयर पपी, इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने पेडिग्री भी स्टॉक हेयर पपी की इसकी मौजूद है, माइक्रोचिप भी मौजूद है। मेरी बहन शी इज द लवर ऑफ लॉन्ग हेयर पपीज, उनका इतराज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बाल प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है प्लीज। और मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो मैं चीज देता हूं मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूं, मैं उस चीज की तमाम तर डिटेल्स और तमाम तर प्रूफ मेरे पास मौजूद होते हैं। ये मेरा और मेरे साथ में मेरी ये कस्टमर्स का, या जो मेरे बायर्स हैं, या मेरे बहन भाई जो है, मेरे फॉलोअर जो है, मेरे जो अपनी मेरी टीम है, ये उनके साथ मैटर्स है। प्लीज फॉर गॉड से कमेंट जरूर करें, तनकीद करें, तनकीद आपका हक बनता है, लेकिन तनकीद एक इज्जत के दायरे में रह के की जाए तो वो अच्छी लगती है प्लीज। और ये तनकीद करते हैं करते साथ ये कह देना कि इसमें पीकेसी इन्वॉल्व है, इसमें इम्तियाज शाह इन्वॉल्व है, सो व्हाट, कैसे, किस तरह। एक प्रेजिडेंट पीकेसी के प्रेजिडेंट है, वो एक इदारे को चला रहे हैं, वो मेरे लिए क्यों फेवर्स देंगे। प्लीज फॉर गॉड से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनलिज्म पे ना जाया करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी आज मेरी बहन के साथ सारी चीजें हल होगी, मैं इधर आया हूं, इट्स ओवर। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स जो आप करते हैं, इट्स हर्ट, हर्ट्स, ये तकलीफ देते हैं। आप लोग तनकीद करें, मेरे से बात करनी है, अगर किसी को मेरे से कोई परेशानी है, किसी भी, किसी मेरे दोस्त भट्ट साहब को, किसी शेख साहब को, किसी मियां साहब को, किसी को भी मेरे से परेशानी है तो मेरे नंबर हर टाइम अवेलेबल है, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, वो मेरे से खुद बात करें, ना कि वो मेरे किसी बहन भाई है, मेरे किसी कस्टमर की आर में मेरे साथ वो इस तरह के मैसेजेस करें। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वंस अगेन, आई एम विद शैडो, मैं आज मौजूद हूँ इस वक्त रजा भाई रानिया आपी के घर पे, हमारे जो मैटर्स हैं वो आपस में सोल्यूशन दे देंगे, वो भी गए, वो पोस्ट भी करेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग प्लीज बोलने से पहले सोचा करें। सोचना, सोच के बोलना, ये मौला का फरमान भी है, पहले तो लो फिर बोलो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।